हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। CAPF हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो है उसको देखिए क्या होता है कि कई बार भारत सरकार जो है बड़ा सौतेला बर्ताव करती है कि उनको कभी पुलिस के साथ शामिल कर लेती है, और जब बात आती है कि कहीं उनको खड़ा होना है डट के, तो उनके लिए कहती है कि ये तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं। और है आर्म्ड फोर्सेज। 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये कहा गया कि जो भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो ज्वाइन करेगा भारत सरकार की सेवाओं को, उनको पुरानी पेंशन स्कीम नहीं दी जाएगी, उनके लिए नई पेंशन स्कीम लागू होगी, NPS जिसको कहा। लेकिन उसमें एक क्लोज ये भी था कि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज जो है उस पर लागू नहीं होगी, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इनको पुरानी पेंशन स्कीम मिल रही थी। तो ये बड़ा सौतेला बर्ताव था हमारी फोर्सेस, जो चाहे हम BSF की बात करें, आसाम राइफल की बात करें, हम ITBP की बात करें, जो कि मोर्चे पर जो है वो आर्मी से भी आगे रहते हैं वो कई जगह। अब इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो थी वो चल रही थी, और उस लंबी लड़ाई का जो है वो निर्णय आ गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया, और भारत सरकार ने जो तब के जो आर्ग्यूमेंट जो थे हमारे न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ कि हमारी फोर्सेस जो है CAPF जितना भी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या थे? उसमें आर्ग्यूमेंट यही था कि भारत सरकार ने खुद कई जगह स्वीकार किया है कि ये CRPF जो है, CRPF है, BSF है, CISF है, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये अब आर्म्ड फोर्सेस हैं तो जब आप खुद ये कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको पुरानी पेंशन स्कीम उस पर लागू होगी, तो कल से काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे हमें, बहुत सारे मैसेज आए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो मोर्चे पर हैं, जो कहीं नक्सल से फाइट कर रहे हैं, कहीं असम राइफल के नॉर्थ ईस्ट के जो घने जंगलों में काम कर रहे हैं, या बर्फ़ की चोटियों पर हमारे हिमवीर जो हैं वो, उनको जब ये मैसेज लगा तो एक जो कहते हैं कि संशय सा बना हुआ है कि किसको मिलेगा ये, क्या जो कोर्ट में गए उन्हीं को मिलेगा या फैसला सब पर लागू होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए फैसला जो है अभी ऑर्डर की कॉपी जो है वो आज अपडेट हो जाएगी, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये फैसला सब पर लागू होगा, आपको अलग से आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैंडिडेट को अलग से कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जानना चाहा कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन भारत सरकार भी जाती है तो वो ठीक है, थोड़ा इसमें समय लग जाएगा, लेकिन ये फैसला आपके पक्ष में है। हमारी CAPF जो है उसकी ये बहुत बड़ी जीत है ये, और मोराल जो है आज देखिए CAPF का ही नहीं, CAPF के साथ साथ हमारे भी बहुत सारे, हमारे लगभग 2000+ हमारे कैंडिडेट जो हैं वो CAPF में हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके साथ काम करने वाले लोग, तो सबके लिए बड़ा एक जश्न का माहौल है आज के। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि CAPF को पुरानी पेंशन स्कीम ही मिलेगी। पहले जो ऑर्डर जो आए थे वो ये थे कि जैसे 2003 में नोटिफिकेशन आया या 2002 में नोटिफिकेशन आया, लेकिन रिजल्ट आया या ज्वाइन होते होते 2004 आ गया था, तो 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया कैंडिडेट्स ने तो उनको भी नई पेंशन स्कीम में ले लिया। उसके खिलाफ फाइट हुआ पहले कि नोटिफिकेशन जो पहले से है उसके ऊपर तो पुरानी गाइडलाइन ही लागू होनी चाहिए, वो फैसले आ चुके। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्वीकार किया कि जितना भी हमारी फोर्सेज है, BSF, CRPF, ये सब जो है वो आर्म्ड फोर्सेस है। भारत सरकार खुद स्वीकार करती है कि ये सशस्त्र बल हैं हमारे, तो जब सशस्त्र बल हैं तो ये सौतेला बर्ताव क्यों? और इस सौतेले बर्ताव के खिलाफ जो फैसला आ गया है वो सबके ऊपर लागू होगा, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स CAPF के हैं वो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, चाहे वो आज भर्ती हुए हैं, उनको पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम उनके लिए लागू कर दी गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो फाइट कर रहे थे उनका, देखिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे लोग आगे आए इसमें फाइट करने के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं कि एक बहुत छोटा तबका जो है वो फाइट करने के लिए आ गया,
लेकिन फैसला सब पर लागू होगा ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो नए रिक्रूट हैं उनको बड़ा संशय हो रहा था कि ये फैसला क्या उन्हीं पर लागू होगा जो कोर्ट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फैसला सब पर लागू होगा। हाँ, अब आगे क्या होगा, देखिए आगे दो चीज़ें हैं, फैसला लागू हो जाएगा या इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो फिर लड़ाई थोड़े दिन चलेगी, लेकिन जो फैसला आया है वो आपके हित में है। और वो फैसला ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट उसको पलट दे ऐसी भी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो एडवोकेट्स से हमने भी बात किया, तो उनका ये कहना है कि ये फैसला जो है वो लागू होने के ही पूरे पूरे चांसेस हैं। ये समझिए कि लागू ऑर्डर आना बाकी है भारत सरकार की तरफ से कि हमने हमारे CAPF को जो नई पेंशन स्कीम है वो हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम में ले लिया है। तमाम लोग जो फाइट कर रहे थे इसके लिए, जो एडवोकेट, जो उनका स्टाफ, जो लोग इसके लिए फाइट कर रहे थे, इस रिट पिटीशन जो है इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे तमाम CAPF की तरफ से कि ये फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मोराल बूस्ट करने वाला फैसला है। जय हिंद।